वेलकम टू द माइंड एक्सपेंस इंस्टीट्यूट का आई आई टी जे नीट बैंकिंग रेलवे एनडीए एससीआरए इफ यू इंटरेस्टेड कॉल अस 9569459081। देखो क्लास टेंथ का ये क्वेश्चन है, एंट्रेंस में भी आएगा, बहुत इजी तरीके से आएगा, ध्यान से समझिए। कह रहा है 3 सेंटीमीटर का व्यास के शीशे का एक गोली गेंद को पिघला कर 3 गोली गेंद बनाए जाते हैं, जिनमें से 2 व्यास क्रमशः 1 right 1/2 सेंटीमीटर, दूसरा 2 सेंटीमीटर, तो तीसरी गेंद का व्यास ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा, ठीक है। जब पिघलाने वाली बातें की जाती हैं, लिसन, जब पिघलाने वाली बातें की जाती हैं तो समझिएगा वहाँ पे वॉल्यूम की बातें की जा रही है। किसकी बातें की जा रही है? वॉल्यूम की। सना, पाला आपका डायमीटर, पाला डायमीटर कितना है यहाँ पे? 3 सेंटीमीटर। दूसरा डायमीटर कितना यहाँ पे है? 1 right 1/2 सेंटीमीटर। एंड तीसरा डायमीटर कितना है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आप पिघला कर एक बड़ा सा है, ये बड़ा सा मान लो, इसका समझो डायमीटर ये दे रखा है ऐसे ऐसे, टोटल डायमीटर आप कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। आईसी को जब मेल्ट कर दिया जा रहा है, मेल्ट कर दिया जा रहा है यहाँ पर, तो मेल्ट में यहाँ पर मेल्ट करके 3 बनाए जा रहे हैं। कितने बनाए जा रहे हैं? 3 बनाए जा रहे हैं। तो पहला यहाँ पे इसका, इसमें से ये वाला कह रहा है कितना? 1 right 1/2 सेंटीमीटर। और दूसरे का कह रहा है कितना? 2 सेंटीमीटर। तो इस तीसरे का क्या होगा ये हमें जानना है, समझ में आ रहा यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे हम अपने तरफ से सपोज कर लिए, ठीक है, इसकी इसकी इसका हाफ करेंगे तो क्या निकलता है? 2r = diameter। तो 2r की वैल्यू अब कितना है? 3 है, तो r इक्वल कितना आएगा? 3/2 हो गया, ठीक है। अब बॉलूम, गोले के बॉलूम के लिए फॉर्मूला क्या था? v = 4/3 πr³, ठीक है। ये इसको हम बड़ा सपोज कर लेते हैं, ये पहला v1 हो जाएगा, इसको हम दूसरा v2, तीसरा v3 एंड v4, ऐसे कुछ भी सपोज करते हो, ये आपको पर डिपेंड करता है। तो देखो 4/3 v2 v3 एंड v4, तो इसका यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे? 4/3 πr³। आर की वैल्यू यहाँ कितना आया हमारा? ये वाला यहाँ पर, ये आर कितना आ गया? ध्यान से समझो, यहाँ पे 3/2 है ना, 3/2 का कितना हो जाएगा यहाँ पे क्यूब? इसमें भी वही फॉर्मूला बनेगा, 4/3 πr³। इसको हम सब r² सपोज कर लेते हैं, 4/3 πr³ का क्यूब, इसका फॉर्मूला फिर लगाइए 4/3 πr³ का क्यूब। देखो इसमें ये पूरा इस चीज का अमन हो जा रहा है, देखो यहाँ से देख रहे हो? देखो सेम सेम दिख रहा है ना, यहाँ से भी सेम सेम। तो कॉमन लेके कट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कॉमन लेके कट किया जा सकता है 4/3 πr³। यहाँ पे कितना जगह? 2 × 4, 4 × 8, मतलब इसका क्यूब कर दिए 3 है ना, नीचे 8 होगा, कितना जगह? 27 भाई 8 पार वाला। इसमें से देखो ये भी निकल गया है यहाँ पे 4/3, ये निकल गया, क्या बचा यहाँ पे? r² का क्यूब। छोटो वीडियो बनता, वीडियो बनता देखिए, इस तरह से आप पूरा इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स एज वेल जैसे आप लोग फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, भिन्न सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, राइट। वंस अगेन वेलकम बैक। कुछ एक क्वेश्चन मैं दिया था बच्चों को सॉल्व करने के लिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बेस पर, तो मैंने बहुत से बच्चों को देखा कि क्या है, सॉल्व कर रहे थे तो उसको माइनस के साथ कर दे रहे थे, इनटू के साथ कर दे रहे थे। देखो m स्क्वायर प्लस 1/m² - 2, यहाँ पे कई लोग जीरो लिख रहे थे, जीरो यहाँ पे लॉ आप नहीं लगा पाओगे, क्यों? जैसे ये इनटू में लगाया जाता है ना रूल, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर
तब आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे, यम स्क्वायर इनटू इसको ऊपर ले लोगे ना, तो यहाँ पे लिखोगे यम माइनस टू, तो ये बेस सेम हो गया, तो टू माइनस टू तो कितना हो जाएगा यहाँ पर जीरो, तो डेट मीन्स कितना वैल्यू आ जाएगा वन। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का इस तरह से ये रूल लगता है, लेकिन यहाँ पे कई लोग यहाँ पे प्लस को इंटू में ले जा रहे थे, तो ये क्वेश्चन अलग, ये क्वेश्चन अलग है जो आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं, यही चीज आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे। अब इस टाइप का ये क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पे ये है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे था यम स्क्वायर प्लस वन बाई एम स्क्वायर प्लस टू, इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्लास नाइन्थ वाले भी समझ सकते हैं, और जो है प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी समझ सकते हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे आप लोग, देखो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी के आधार पे भी दिख रहा है, वो पॉजिटिव के साथ दिख रहा है, वो माइनस के साथ दिख रहा है, वो भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं जैसे। और एक दूसरा ये क्वेश्चन देखोगे यार, सपोज कर लो हम ए सपोज कर लेते हैं इसको, राइट, लेट किया यहाँ पे ए इसको मान लिया यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे इसको क्या बी सपोज कर लिया, और इसको मैं सपोज किया ए, और इसको सपोज किया बी, यानी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो होता आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है। पहला तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा जो है आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी का फॉर्मूला क्या था हमारा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्लियर। और इसमें आपका इस वाले में यदि अप्लाई करना चाहते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ पे लिखते हैं आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। दो तरीके से इस ये आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो आपको देखिए कौन सा इजी लग रहा है आपको, क्या इसके अकॉर्डिंग बताया जाए या इसके अकॉर्डिंग बताया जाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम इसी के अकॉर्डिंग सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे लेट किया जाए कि यम स्क्वायर प्लस वन बाई यम स्क्वायर इक्वल टू हम कैपिटल ए सपोज कर लेते हैं, अब टू को लियम सपोज कर लिए बी, ठीक है। तो यही ना आपका फॉर्मूला बन के आता आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या ए माइनस बी और ए प्लस, क्लियर। तो ऐसे में इसके अकॉर्डिंग देखें, ए की वैल्यू इतना हमने सपोज कर लिया, बी की जगह टू है, ए की जगह इतना है, बी की जगह इतना है, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताइए ए की वैल्यू क्या सपोज किया गया यहाँ पे, एम स्क्वायर प्लस वन बाई एम स्क्वायर, और बी की जगह क्या सपोज किया ओनली टू। इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे ध्यान से, देखिए एम स्क्वायर प्लस वन बाई एम स्क्वायर माइनस टू, एंड दिस इज एम स्क्वायर प्लस वन बाई एम स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू, ये ना फार्मूला। देखिए यहाँ पे यदि सपोज करते हैं ये वाला निगेटिव वाला यहाँ पे लिख देते हैं, पॉजिटिव वाला यहाँ पे लिख देते हैं, तो क्या ए का स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस वन बाई यहाँ पे प्लस है, ठीक है, ये देखिए ए स्क्वायर, राइट। एंड हियर उसके बाद क्या, व्हाट इज द बी, बी की वैल्यू क्या वाली टू टू है, तो देखिए टू का स्क्वायर, ठीक है, यानी ए प्लस बी का स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पे ले लीजिए, यहीं पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर ले ली, यहीं पे आंसर हो जाएगा, यदि ब्रेक में चेक करने के लिए, अदरवाइज इसको ए माइनस बी का ब्रेक कर दीजिए, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, यानी ए पावर फोर यहाँ पर बी के पावर फोर, देखिए ये ए का स्क्वायर वन का स्क्वायर यहाँ पर वन हो जाएगा, टू टू जा फोर, आप प्लस क्या हो जाएगा प्लस यहाँ कितना हो जाएगा आपका टू, ए की वैल्यू क्या आपका यम है, बी की वैल्यू क्या आपका है यहाँ पे यम स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है वन बाई एम स्क्वायर, दो दुना फोर, यहाँ पे दिस दिस कैंसिल, तो क्या आपका बचेगा यम पावर फोर, एंड दिस इज द वन बाई एम पावर फोर, और यहाँ पे प्लस टू माइनस फोर, इसको सॉल्व करिए कितना आएगा माइनस टू, डेट मीन्स यम पावर फोर प्लस एम पावर यहाँ पे फोर माइनस टू, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर आया, ठीक है। तो कई लोग यहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे, इसके अकॉर्डिंग भी हमने इस तरह सॉल्व कर लिया, अदरवाइज इसको भी हम इसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व करते भाई, ए का स्क्वायर हो गया, बी का स्क्वायर हो गया, और इसमें यदि हम लिखना चाहते थे यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पर ऐसे ए की वैल्यू क्या यम है, और बी को वन बाई यम, तो ये कट जाता क्या होता
यानी क्या होता है, ये आपका ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, और आपका यहाँ पर एम स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे वन बाई एम स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर हो जाता है प्लस टू, और यहाँ पे भी यदि हम लिखते हैं इसको क्या लिखते हैं, एम और वन बाई एम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका ये कट जाता है, यानी ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। इस तरह भी इसको सॉल्व करते हम लोग तब भी जो है इसको सॉल्व कर सकते थे, एनी डाउट। सो इस तरह से जो आप मैथ को कई बुक रखिए, कई राइटर का रखिए और पढ़िए दम से, तब आपको मैथ से समझ में आएगा। अब मैथ से जब मैथ आपको समझ में आएगा ना, तो बहुत कुछ आप जो सॉल्व कर सकते हो, समझ सकते हो, लगा सकते हो। ओके, सो थैंक यू, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को कैसे हम जो यहाँ पे देखें कैसे अप्लाई किया जाता है। ग्रुप बी वाले और बड़े बच्चे ध्यान से समझ सकते हैं, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है कि समथिंग यदि कोई ऐसे रेशनल को आप लोग पढ़ते हो ना, रेशनल का सेंस क्या था, ऐसे भी कोई जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके एंड हैव द पावर यानी p बाई क्यू के रूप में है या a बाई बी के रूप में है या c बाई कुछ भी किसी के रूप में है और उसके पावर आपका कुछ भी हो m n p, तो वह ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, नीचे भी अप्लाई होगा, डेट मीन्स नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पे अप्लाई हम कर सकते हैं। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे देखोगे इसको कैसे करोगे, आप जैसे ये इसको हमें a बाई बी के पावर n, तो ये इस पर भी अप्लाई कर दिया, इस पर भी अप्लाई कर दिया गया है। आप चाहोगे यहाँ पर यदि हम रेशनल के फॉर्म में लिखते हैं, रेशनल यानी p बाई क्यू, ऐसे ना p बाई क्यू, अब p बाई क्यू के रूप में है, यदि इसके ऊपर हम पावर m लगाते हैं तो सेंस ये होगा कि p के पावर m हो जाएगा और यहाँ पे q के पावर p क्या हो जाएगा, आपका m हो जाएगा, राइट ठीक है। यानी इसी के अकॉर्डिंग एक चीज और भी समझ लो, यहाँ पे यदि यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, साइंस में भी आता है न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा सॉल्व करने के लिए कि p by q के पावर m है, तो p के पावर m एंड q के पावर m, आप यहाँ पे सोचो कि यहाँ पॉजिटिव है, इसको यदि ऊपर ले लोगे ना तो निगेटिव आ जाता है। जैसे हम यहाँ पे लिखा है p के पावर m और ये जब जाता है तो इंटू के साथ q के पावर माइनस m हो जाएगा, डोंट स्पीक। तो p के पावर m इंटू q के पावर माइनस m, अब यदि यही दोनों सेम रहता तो क्या करते हैं, हम ऊपर वाला ऐड भी कर सकते थे या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, बट यहाँ पे आपका जो है बेस सेम नहीं है, बेस सेम वाला भी बता देते हैं। यदि कोई अदर एग्जांपल आप सपोज कीजिए यहाँ पर कि a के पावर m है और यहाँ पे b के पावर आपका m है, ठीक है। तो इसको यदि हम ऊपर लेना चाहते हैं तो a के पावर n इंटू b के पावर माइनस m, यहाँ पे आपका सेम नहीं है, बेस अलग अलग है। लेकिन इसी को मैं कहूँ एक सेम बना लूँ कि a के पावर m है और यहाँ पे a के पावर m है, ठीक है, तो बेस आपका सेम है, क्या है, बेस सेम है, तो ये n और m दिख रहा है वहां से, n और m, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हमें देखने मिलेगा, a के पावर n इंटू a के पावर माइनस m। आप यहाँ पे बेस आपका सेम है, a सेम है, वो भी इंटू के रीजन में है, और जब इंटू के रीजन में है तो इसको आप क्या कर लोगे, ऊपर ले जाओगे तो a के पावर माइनस n एंड दिस ये n माइनस m हो जाएगा, ये इंटू में, जबकि यहाँ पे देखो ये दोनों सेम नहीं था, ये सेम नहीं था, इसकी वजह से यहाँ पे माइनस नहीं हो पाया है, और यहाँ पे ये बेस सेम होने की वजह से यहाँ पे माइनस कर लिया है, यन माइनस यम, ठीक है। प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, ये सब प्रॉपर्टियाँ बहुत ज़्यादा यूज होता है क्लास 8 में, लोअर क्लासेज में, और जब आप लोग SSC का, बैंकिंग का, रेलवे का जब फॉर्म भरते हैं, इस टाइप का जो अल्जेब्रिक क्वेश्चन होते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के जो रूल होते हैं, घातांकियों का जो नियम होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसे कंपटीशन होते हैं जिसमें हम लोग जॉब जाना चाहते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को वाला, जैसे आपका बैंकिंग का भी चल रहा था ना इधर, जो बहुत ज़्यादा कैंपेन लोग चला रहे थे कि उनकी मांगें पूरी किया जाए, एक एक लोग नौकरी चर जगह, जैसे एक कोई स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया तो चार जगह जो अपना अप्लाई कर सकता था। तो जो इंटर में पढ़ लेते हैं बारे में, जो बारे के आधार पे जो पेपर देने जाते हैं, जो ग्रेजुएशन करके जाते हैं, उन्हीं का तमाम जो लफड़ा था, वो लोग वो कैंपेन चला रहे हैं कि इसको दूर किया जाए। तो आज आप लोग बटालियन हो, मतलब छोटे ग्रुप में हो, ये सब चीज़ें जब आप जाने रहोगे ना, तो आप जो है कंपटीशन में जब बैठते हो, यानी 30 सेकंड में, एक मिनट में आपको एक क्वेश्चन का आंसर चार ऑप्शन में से सही दिया जाता है। यदि क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो माइनस मार्किंग हो जाता है, यदि गलत लगा दिए तो माइनस मार्किंग हो जाता है,
तो इसीलिए जो है इसे आप लोग को कहा जाता है कि बेस मजबूत करने के लिए। आपको बेसिक एग्जांपल में जब मैं अपने क्लास में पढ़ रहा था छोटे क्लास में, हमें लोग एग्जांपल देते थे नींव मजबूत करो, नींव मजबूत करो, तो मैं पहली बार नहीं समझ पाया ये नींव मजबूत करो। तो मैं ये सुना था जो घर पे लोग मकान बनवाते थे कहते थे नींव मजबूत रहे, तो मैं उसको समझता था ओहो घर बनता है तो नींव मजबूत किया जाता है। ये सभी एग्जांपल हुए। टीचर लोग कहाँ कहते हैं कि जो है बहन जी कहाँ कह रही हैं नींव मजबूत करो। तो हमने जब घर पे आया तो पूछा किसी से, तो हम लोग मैडम को बहन जी कहते थे। बहन जी? हाँ बहन जी। आज तुम लोग जो है जैसे चटाई बैठे हो ना, हम लोग भी अपने समय में चटाई बैठे थे बहन जी। मतलब तो ऐसे कंडीशन पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब आप पढ़े रहोगे ना, अभी जैसे ये मान लो बहुत से बच्चे जो है इसमें भरते हैं ये नवोदय वाला फॉर्म भरते हैं, तो ये बताओ ये सब लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल का बहुत से क्वेश्चन इस पर बनेगा। तब जाने रहोगे बेस किसे कहते हैं, पावर किसे कहते हैं, घातांक किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, तब आपके लिए जो है बढ़िया पड़ेगा। तो इस तरह से आपका ये हो गया। अब इसी पर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे आप लोग पहले इसके बेस पे। 3 के पावर आपका 3/4 के पावर आपका यहाँ पे 3 है, क्लास 8 में भी है। ठीक है, तो क्या करोगे यहाँ पे 3 के पावर 3 भी लिखोगे और यहाँ पे 4 के पावर भी 3। आप इसको पूरा ओपन कर दीजिए, 3 ऐसे 3 टाइम लिखो। अब देखो यहाँ से क्लास 7 वाले भी बच्चे समझ सकते हैं, ओहो है 3 जो इसके रीजन से 3 बार लिखा गया है। अब ये जो है 4 यहाँ पे ऐसे डबल हीरो ट्रिपल हीरो का नाम सुने हो ना आप लोग, बहुत ऐसे हीरो होते हैं नाक सामने सब सबसे में रहेगा, हम सकल में सात लोग हैं ना। ठीक है, तो ऐसे बहुत सी एग्जांपल मिलता है। तो आप देखो यहाँ पे 3 जा कितना हो जाएगा आपका 9 9 3 27, 4 4 16 16 64, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी देखिए इसके अकॉर्डिंग हो गया, राइट। ठीक है, और यहाँ पे भी जो कभी कभी आप लोग का यदि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर आपका बेस सेम है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपका, यदि मैं कहूँ 2 के पावर आपका 4 और यहाँ पर आपका 2 के पावर आपका 3 है, तो ये बेस सेम है, तो क्या करोगे आप 2 के पावर 4 और इनटू 2 के पावर -3। यहाँ पे क्या बताएगा कि ये जब बेस सेम होता है तो क्या करते हैं एक ही लिख के जो माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 2 में से 4 -3 ऐसे करोगे तो यानी 2 के पावर 1, और किसी के पावर यदि 1 होता तो 1 को छोड़ देते हैं वही वैल्यू रहता है, यानी दिस मीन्स वो एक ही टाइम लिखा जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, नहीं तो यदि आप इसको इस तरह भी सॉल्व करके देखो यानी 2 × 2 × 2 × 2 क्यों 4 टाइम दिया है ना, 4 बार दिया, इसकी वजह से हमने ऐसा लिखा। और यहाँ पर इसके बाद हम ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आपका है 3 टाइम, तो 2 × 2 × 2 तो देखिए 1 2 से ये 2 और ये 2, तो कितना आपका वो लिया जाएगा आपका 2। इस तरह से भी आंसर 2 है, इस तरह से भी आंसर 2, तो कितना ईजी है। अभी से आप लोग इतना पढ़ लो कि मेस जो है आप लोग क्लास यदि लोअर 8 क्लास में हो, 9th हो तो 9th हो तो 10th का सवाल लगाओ। तो ये नहीं है कि भौकाल में 9th कई बार का क्लास 10th का लगा, ऐसा नहीं। आप जो है मैथ का जो बुक है, आप एक मैथ का बुक नहीं 10 मैथ का बुक रखो उसी क्लास का 10 बुक, मतलब एक दूसरा राइटर, तब मैथ में तेज हो पाओगे, तब रामानुजन से भी बहुत ज़्यादा आगे निकल पाओगे। तो यदि तुम लोग को कुछ करना है, 80 साल है मान लो, अभी तुम लोग 10 साल हो गए 15 साल हो गए, इससे आगे कुछ करना है तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पर ये चीज़ें हो गया, इस पर जो आप लोग घर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2/4 के पावर यहाँ पर 5 है, इसका कितना आएगा 2/3 यहाँ पे पावर 4 है और यहाँ पे पावर 5 हो, तब कितना आएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, आप देख लीजिए रूट के साथ यदि इस तरह से आ जाए, वही 6 और यहाँ पे इस तरह से कितना आएगा 7 आप रेशनल फॉर्म में आ जाते हो, कैसे आप लोग सॉल्व करोगे, इस तरह से सॉल्व करिएगा। चलिए एक चीज यहाँ पे एक और बता देते हैं आप लोग का प्रॉपर्टी, कि यहाँ पे जैसे रहा कि जब रेशनल फॉर्म में दिया गया, रेशनल फॉर्म में दिया a/b के रूप में या p/q के फॉर्म में, आप यहाँ पे थोड़ा ऐसे सोच लीजिए आप लोग कि यदि किसी के पावर 0 रहे, समथिंग हैव द पावर 0, तो ऑलवेज कितना हो जाएगा आपका ये 1,
ठीक है। यदि किसी के पावर आपका क्या रह रहा है, जीरो रह रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। तो ये चीज आपके पास सोचिए, करोड़ों रुपए हो कि आपका ये कोचिंग हलवे भर जाए रुपया से, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे क्या करेंगे, उसके पास जीरो लगा दे तो उसका एक रुपया रहेगा। कितना आप डॉलर से, दिनार से, और भी इंडियन रुपी से, नेपाली रुपी से, जितना भर लीजिए, आज उसके पर यदि जीरो लग गया तो उसके रुपये एक रुपया होगी। तो एक रुपया में जब हम लोग अपने समय में थे तो 16 मिठाइयाँ खाते थे, चॉकलेट इतना बड़ा बड़ा होता था, 16 मिठाई। और ये अब यहाँ पे एक दो रुपये में एगो टॉफी मिलेगा आपको। इन सब विशेष चीज़ों बातों को ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, यदि किसी के पावर इफ एनी डिजिट आब्लिक क्या हो, वेरिएबल वेरिएबल हैव जीरो, हैव जीरो देयर मीन, देयर मीन वैल्यू ऑलवेज वन, वहां पे उसकी वैल्यू क्या होता है आपका सीधे वन होता है। आप सोचो लो, यहाँ पे थ्री के पावर जीरो है तब भी इसकी वैल्यू क्या होगा, वन। फोर के पावर जीरो है तब भी वैल्यू क्या रहेगा, वन। यदि रूट में भी है इसके पावर तब भी इसकी वैल्यू क्या जाएगा, वन। ठीक है, इस तरह से आप जो है बहुत तरीके, अच्छे तरीके से आप जो है समझ सकते हो, लगाओगे बहुत ज़्यादा आपका नाम रोशन होगा, मम्मी पापा कहेंगे हाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है, बच्ची पढ़ रहा है। नहीं तो अभी जो है, अभी छोटे से बच्चे जाके जो है, कई लोग को हम देखते हैं, हमारा खुद भाई है, गोदावा जाके लैट्रिन में घुस जाता, गेम वहाँ खेलता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, ऐसे नहीं पढ़ाई कर पाओगे, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा तभी कुछ कर पाओगे। सो इसलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर। हाँ, तो आप जो है इसको समझ सकते हैं बढ़िया से, ठीक है, थोड़ा सा नीचे डाउन कर देना। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन डिवाइड है, ये जो है हमें लग रहा है कोई बच्चा जो है आप लोग को गलत लिख दिया है, अदरवाइज या गलत नहीं भी इसको सपोज करते हो तभी ये जो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये डिवाइडिंग है, क्लास 8 का है, क्लास 9th में भी इस तरह से आपको मिल जाता है, एक्स प्लस एक्स किया डिवाइड बाई, ये इतना चीजें है। ठीक है, तो ये देखो इस तरह से लिखेगा तब भी सॉल्व सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अधिकतर ये देखा जाता है कि यदि ये एक्स प्लस एक्स है, ठीक है, तो इसको हम 2x लिख सकते हैं, नहीं तो इस तरह से यदि रहेगा तो ये कहेगा नहीं इसी तरह है, तो वो जो है यहाँ पे एक न्यूमेरिकल नंबर होना चाहिए, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी, चाहे रेशनल में हो चाहे इरेशनल में हो, ठीक है, अदरवाइज क्या हो यहाँ पे माइनस हो। तो हमें लग रहा है कि यदि वो कहीं लड़का लिखने में गलती किया दिया, यदि नहीं वो कहता था सर इसी तरह सॉल्व करना है, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, लिसन यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, x प्लस x कितना हो जाएगा, आप ऐड करो तो 2x हो जाएगा, और जब 2x हो जाएगा तो 2x यहाँ पर आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, x क्यूब यहाँ पे 3x स्क्वायर 3x प्लस 1। आप यहाँ पे देखो क्या करेंगे, आप यहाँ पे कितना x क्यूब है, यहाँ पे हो गया हमारा 2x हो गया, और जब 2x हो गया तो क्या करेंगे, यानी यहाँ पे हमें चाहिए ओनली x क्यूब चाहिए, एक x है यानी x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या चाहिए हमें, 1 चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या आपका 2 है, तो यहाँ पे हम 1/2 लिख सकते हैं ना, 1/2 है ना, यहाँ पे क्या मारेगा, नाम बिगाड़ रहा है कौन, नाम बिगाड़ रहा है, रोके वो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया जाएगा, हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि 2x हो गया, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कोएफिशिएंट 1 चाहिए। देखो यहाँ पे तुम्हारे भी है, क्लास 7th में है ना, डिवाइड आता है उसमें अलजेब्रिक में, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि आपका सही है कि गलत है, तो देख लो इसे, ये 2x था, यहाँ कितना हो गया आपका x स्क्वायर बाई 2, था 2 से 2 कट जाएगा, देखिए x क्यूब हो जाएगा, डोंट यस सर नो सर, यहाँ क्या लिखेंगे हम, ऐसे लिख दिया, आप लिख देंगे हम ये से x क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और फिर इसको यहाँ पे प्लस प्लस, तो क्या जाए माइनस दिस, आप यहाँ पे क्या रिसीव करेंगे, 3x स्क्वायर, यहाँ पे 2x है, तो क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग रखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 भी चाहिए और यहाँ से 2 हटाना भी है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ऐसे लिख दो 3/2 और x, सोचो कि क्या रखेंगे, तो खुद अपने दिमाग में गया हमें 3 चाहिए, यहाँ पे 3 नहीं है, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे नीचे 2 नहीं है,
तो नीचे टू से डिवाइड कर दें, सिंपल सा लैंग्वेज में। और यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, एक एक्स है, एक एक्स यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो इसका आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यहाँ पर इतना आ जाएगा ना, टू थ्री जा सिक्स बाई टू, और एक्स एक्स मिलकर कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे कट जाएगा तो तीन आएगा ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव 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 क्या देगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, ये जो लड़का दिया हुआ है, तो हो सकता है अभी मुर्गा बनाने के लिए किया, देखे के लोग लगा पाते कि नहीं लगा पाते हैं। अब यहाँ क्या रिसीव करोगे हमें, थ्री एक्स, थ्री एक्स चाहिए, जबकि यहाँ कितना है टू एक्स, तो वही यहाँ पे एक्स तो देखने मिल गया, यहाँ पे भी एक्स है, तो यानी बस लफड़ा है यहाँ पे तीन और दो का, तो तीन हमें चाहिए यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे तीन लिखना, और यहाँ पे नीचे चाहिए कुछ नहीं तो वन है, यानी यहाँ पे टू आना चाहिए, टू यहाँ से डिवाइड होना चाहिए यहाँ से, तो क्या करें, टू से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर क्या है, टू टू थ्री जा सिक्स, साइड में यहाँ पे एक्स, तो एक्स रहेगा, अब बाई कितना यहाँ पे रहेगा, ये बाई टू है, तो आई कट जाएगा, तो कितना आएगा, तीन आएगा ना, तो यहाँ पे भी माइनस माइनस कट जाएगा, आप रिसीव यहाँ कितना आ जाएगा, वन नंबर चाहिए, तो वन रिमाइंडर हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि नहीं नहीं, हम रिमाइंडर भी नहीं चाहते हैं, रिमाइंडर भी नहीं चाहते हैं, हाँ यहाँ पे इतना लिख देंगे, लेकिन रिमाइंडर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, तो रिमाइंडर यदि नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, यदि रिमाइंडर आता तभी सही है यहाँ पर आपका, हमें क्या चाहिए यहाँ पर वन बाई टू एक्स का, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे वन आ जाएगा, ठीक है, तब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। तो इस टाइप का हो सकता है कि कोई लड़का लिखने में या गलती कर दिया हो, कि एक्स प्लस यहाँ पे टू हो, या एक्स प्लस थ्री हो, या एक्स प्लस नाइन हो, ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि ये एक्स एक्स दिया तो इसको ऐड करके हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, इन दिस ये क्वेश्चन आपका रेशनलाइजेशन पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन कह रहा है रूट फाइव प्लस रूट फोर अपान रूट फाइव माइनस रूट फोर की वैल्यू क्या होगा। ऐसे कंडीशन में सबसे पहले क्या करना रहता है, ये क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्यूशन के साथ लिखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, रूट फाइव प्लस रूट फोर रूट फाइव माइनस फोर, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इंटू कर देना है, ठीक है, नीचे का जो यदि निगेटिव है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और यदि यहाँ पे नीचे आपका क्या पॉजिटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, उसको बोलो, तो यहाँ पे कंडीशन क्या जाएगा, फाइव प्लस रूट फोर रूट फाइव आप प्लस, यहाँ पे इतना हो गया, कन्फर्म। नाउ देखो ये सेम सेम है ना, have the one degree one, have the degree one, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट फाइव प्लस रूट फोर का आप द होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस क्वेश्चन यहाँ पे ये क्वेश्चन ये है जो सेंस है, टॉपिक है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इज अ बिलोंग टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये इस फार्मूला से बिलोंग करता है, दिस फार्मूला टू, देखिए अब यहाँ पे कंपेयर कीजिए, ए की वैल्यू रूट फाइव, ए की वैल्यू रूट, यहाँ पर क्या है फाइव, ये यहाँ पर बी की वैल्यू रूट फोर, बी की वैल्यू रूट फोर, तो यहाँ पे ए है, ए है तो ए स्क्वायर, एंड बी बी है तो बी स्क्वायर, तो यहाँ पर समझिए क्या है, यहाँ पे फाइव है ना, यानी रूट फाइव का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस लगाया, एंड व्हाट इज द बी, रूट फोर, रूट फोर क्या जाएगा, रूट फोर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऐसे समझना है, ए प्लस बी का आप द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस क्या जाएगा टू ए बी, राइट, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो इसको ओपन कीजिए, क्या जाएगा फाइव का स्क्वायर, रूट फाइव का स्क्वायर, अब बी को लू क्या, रूट फोर का स्क्वायर, आप प्लस क्या होगा आपका टू, व्हाट इज द ए, ए को लू रूट फाइव, एंड व्हाट इज द बी, रूट फोर, और दिस इज द रूट फाइव ऑफ स्क्वायर ओनली, क्या होगा रूट फाइव ऑफ स्क्वायर, फाइव हो जाएगा, क्योंकि रूट ऐसे लिखते हैं तो ओनली ओनली टाइम लिखते हैं ना, क्योंकि हाफ हाफ होता है, इसके पावर हाफ, इसके पावर हाफ, तो हाफ पावर हाफ मिलके इसका सॉल्व करेंगे वन आ जाएगा, और यहाँ पे इसी तरह कितना आ जाएगा इसका फोर हो जाएगा। नाउ इसका फाइव आप प्लस दिस द फोर, और ये हो जाएगा प्लस टू, और देखिए यहाँ पे फाइव, इसका चाहो तो पेयर बन सकता है ना, टू इंटू टू, या तो मल्टीप्लाई करके करो,
फाइव फोर जाए 20, तो 20 को ब्रेक करोगे 2 × 2 × 4, ठीक है। अदरवाइज इस 2 × 2 × 5, अदरवाइज इस तरह से भी 5 पाल ली तो 2 × 2 हो गया, इसका एक पेयर बन जाएगा। और इसमें से माइनस कीजिए कितना वन आ जाएगा, ये कितना 4 × 2 = 9, और यहाँ 2 × 2 = 4 = 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा आप टेक्निक समझते हो, 4 और इसका पावर डिविजन मेथड द्वारा सो निकाल लीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए ऐसे करके, आता ना फाइंड आउट करना डिविजन मेथड से, फिर पॉइंट लगा कैसे सॉल्व कीजिए, तो यानी 2 point something इसका भी आएगा, ठीक है। 2 point something जितना आएगा सॉल्व करके इंटू करके प्लस कर लोगे 9 में, जितना आएगा वही क्या आ जाएगा टोटल आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना।